जय द्वारकाधीश जय द्वारकाधीश। ओ माही गाइस सलाम गेम चो नमस्ते सत श्री अकाल। तो आज हमारा सेकंड और थर्ड डे चालू हो रहा है आज तो सेकंड डे। फर्स्ट तो हम लोग किधर आए, रुक्मणी मंदिर इधर द्वारका के नियर बाई है, बहुत नजदीक है वो। कुछ तो स्टोरी है आप उन बताते हैं आपको बाद में। तो आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाता है, एक मिनट जस्ट। द्वारका हम लोग किधर किधर पहुंच गए अपन। अपन नागेश्वर टेम्पल ना, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आठवां ज्योतिर्लिंग है। बोल भाई बोल, तू बोल ले बोल। अभी हम लोग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये आठवां ज्योतिर्लिंग है। तो आपको इधर का व्यू दिखाता है। मंदिर में एंट्री मार चुके, इधर कैमरा तो अलाउड नहीं है, तभी भी तुम्हारा भाई वीडियो बना रहे। एक मिनट, जैसा लग रहा हम जेल में बंदे। लास्ट 50 वो थाली तो पूछो ही मत, 1000 रुपए से स्टार्टिंग है। 250-300 इधर मंदिर से बाहर निकले, उधर कैमरा अलाउ नहीं था, तभी भी हम लोग ने ना फोटो लिया। 500 रुपया फाइन बोलता है, मैंने देखा आगे का व्यू जी।
जा रहे हैं अपन गोपी तालाब। तो यहाँ से कम 20 मिनट का सफर है गोपी तालाब का। अभी गोपी तालाब जा रहे हैं, बस में बैठ चुके हैं, तो अभी सीधा मिलते हैं गोपी तालाब। तो गाइस अभी हम लोग इधर आए, इधर गोपी तालाब मंदिर है, तो इनकी कुछ स्टोरी है। एक मिनट गाइस आप लोग देख सकते हैं ये वो पत्थर है जो श्री राम भगवान ने वो बनाया था ना, बड़ा ये डूबरा नहीं है पानी में। देखो ये देखो पानी में डूबरा नहीं है, आप देख सकते हो। तो गाइस ये मंदिर कौन सा मंदिर पहले बता? गोपी तालाब। अपन यहाँ पर गोपी तालाब में आए, तो फर्स्ट तो ये नदी का ये तालाब है ना, उसका कुछ लावा स्टोरी है। 16,108 गोपियाँ है ना यहाँ पर मिट्टी बन के समा गई थी, क्योंकि क्योंकि कह रहे क्या था स्टोरी ये बताएगा। अरे मुझे भी डाल लेते पानी। तो गाइस यहाँ पर हम लोग है ना गोपी तालाब घूम के हम लोग को बच वाले ने ना कितना मिनट दिया थे, 10-15 मिनट दिया है इधर खाना नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करने के लिए दिया है सुबह के 10:30 बजे ना। तो अभी आपको आगे अभी हम यहाँ से कहाँ जाएंगे यहाँ से हम लोग बेट द्वारका जाने वाले, अभी 20 मिनट यहाँ पर रुकेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे फिलहाल। तो हम लोग अभी किधर आ गए, बस से उतर के, तो अभी हमारा सफर शुरू होने वाला है यहाँ से अरेबियन सी से। तो दिखाई दूंगा दिखा दिया रे तेरे को क्या करने का ब्लॉग मेरा की तेरा। फिर से बोल देखो चोर बोला।
हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। अभी पीछे देख सकते हैं पावन धाम, लेकिन वो बहुत लंबा है, हम उधर नहीं जा रहे। तो हाँ, उधर हनुमान और हनुमान जी के बेटे दोनों किधर, पूरी इंडिया में आपको किधर नहीं मिलेंगे, खाली उधर ही मिलेंगे ऐसा इधर के पब्लिक बोलते, मेरे को भी मालूम नहीं। तो अभी फिलहाल हम लोग फिर से हमारी रिटर्न बस है 12:30 बजे की, तो इसलिए अभी रिटर्न जा रहे हैं हम, हमको सी पे भी जाने का है। तो भाई लोग इधर आप लोग देख सकते हैं, बेट द्वारका से बाहर आएंगे ना, एक आइसक्रीम के कोन जैसा कुछ रहेगा इधर को, ये उसके अंदर डाल के नया डिश थे, बहुत रावस लगता है खाने में। फिलहाल तो महेश्वर दादा खा रहे हैं, अभी हमारे लिए भी बनाएंगे, इसके अंदर डाल के बनाते हैं। चाहिए तो चाचा से मिल सकते हैं। चाचा इसका नाम क्या है? भाजी कोना। भाजी कोना इधर जस्ट मंदिर से बाहर निकलेगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। देखो चाचा बना रहे, ये भाई खा रहा है, देखो भाई ये बना रहे। पकड़े तो गाइस, हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। आपको दिखा था प्लेस बहुत अच्छा दिख रहा है फिलहाल, तो अभी अंदर जाके ना तब देखते कैसा लगता है। गाइस तो आप लोग देख सकते हैं इसका एंट्री पॉइंट, यहाँ से एंट्री की हम लोग एंट्री तो वहां से की है। पर पर्सन 30 रुपीज़ टिकट है यहाँ पर बीच पे जाने के लिए। इस बीच का नाम है शिवराज बीच, और इस बीच को है ना ब्लू फ्लैग मिला है, क्लीनिंग और वाटर क्लीनिंग और क्या थे ड्राई ब्रश प्लेस क्लीनिंग की वजह से। आपको तो गाइस एंट्री पॉइंट तो देख के मैं खुशी हो गया, इसके बाद नीचे का लोकेशन देखोगे ना तुम लोग कुछ लोग तो यहाँ पर आने का मन करेगा। जस्ट एक सेकंड आपको दिखा रहा हूँ, इसको ब्लू फ्लैग दिया गया है। सुबह सुबह मॉर्निंग में नहाने आए हैं किधर, गोमती नदी में, द्वारका के पीछे साइड है। सब बोलते हैं इधर अगर आओगे तो एक बार गोमती नदी में नहाने चाहिए। तो आप लोग इधर का व्यू देखो और हम लोग यहाँ पर नहाएंगे भी। वो सामने है सुदामा ब्रिज, ये पॉइंट है और यहाँ जाते हैं सुधा ब्रिज का वो एंड पॉइंट होता है, वहाँ से दो मंदिर है और यहाँ पर हमारे सतीश भाई बोलना चाहते हैं और ये कुछ नया ट्रिक सिखाते हैं, बॉडी फ्लोटिंग ट्रिक है, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। तो गाइस आज लास्ट डे है हमारा इधर, तो आज हम लोग मंदिर के पीछे साइड घूमने आए हैं सुदामा ब्रिज। सुदामा ब्रिज ये प्लेस एक नंबर है, 3 दिन से थे हम लोग इधर, लेकिन 3 दिन के बाद आज ही इधर घूमने हैं, तो आपको इधर का पूरा प्लेस दिखाता है। जस्ट एक सेकेंड,
द्वारका स्टेशन पे। यहाँ पर हमारा द्वारका का ट्रिप ख़त्म हो रहा है। फर्स्ट टू आपको ये बताना था मेरे को, ये चार धाम में, नॉर्थ में बद्रीनाथ और साउथ में रामेश्वरम और क्या बोलते ईस्ट में जगन्नाथपुरी है और क्या बोलते वेस्ट में द्वारका है। तो द्वारका का तो ट्रिप हम लोग का हो गया, बचा हुआ तीन धाम है। तो इसमें से हम तीसरा अभी तीन धाम में से कौन से धाम में जाएंगे आप डिसाइड करो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कौन से धाम में जाए। तो फिलहाल के लिए ब्लॉग एंड हो रहा है, बाय फॉर नाउ और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस। पब्लिक बाय बोलो, बाय टाटा।